इफ्तार का वक्त हो चुका है और अज़ान नहीं हुई, तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? रोज़ा खोल लेना चाहिए या अज़ान का इंतज़ार करना चाहिए? इफ्तार के लिए वक्त का होना ज़रूरी है। अज़ान एक अलामत है कि सूरज ग़ुरूब हो जाने के बाद अज़ान दी जाती है मग़रिब की नमाज के लिए जी। और वही वक्त होता है इफ्तार का। तो इफ्तार का जो वक्त है वो सूरज का ग़ुरूब होना है। अब फ़र्ज़ कर लें अगर कहीं किसी जगह अज़ान ना हो और आदमी वहाँ पर रोज़े से हो और अज़ान की आवाज़ ना आए तो क्या करे? नहीं, वक्त अगर हो गया है तो उसे इफ्तार कर लेनी चाहिए और उसे अज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुमकिन है कि अज़ान देने वाले से भी गलती हो सकती है, इसीलिए उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि पहले वो मुतअक्किद हो जाए इस चीज़ से कि भाई सूरज ग़ुरूब हो गया है, इफ्तार का वक्त हो गया है, अज़ान हो या अज़ान ना हो या अज़ान ताखीर से हो। नाज़रीन किराम, इफ्तार के लिए वक्त का हो जाना काफ़ी है, अज़ान का इंतज़ार ना करें। अगर वक्त हो चुका है और अज़ान नहीं हुई है तो आप रोज़ा खोल लें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इफ्तार में जल्दी और सहरी में ताखीर किया करते थे और हमें भी इसकी हिदायत दी है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।